जिंदाबाद। 13-12-91 के बाद से जो पुजारियों को असुरक्षित स्थिति पहुंची है, आज हर जगह हर गांव में जो है पुजारी को पीड़ित किया जा रहा है, पुजारी को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। तो आज हमारा ज्ञापन देने का जो उद्देश्य है वो 13-12-91 की पहले वाली स्थिति को बहाल करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात को मानते हैं तो हम वादा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हम अपने रक्त से तोल करके उनका सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम पुजारियों से जो हमारी ज़मीनें हमारे हक का नाम छीन करके नाम ले लिया गया और उसको वापस दुरुस्त कराने के लिए हमने आज CM साहब के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि ये हमारी मांग जो है जल्दी से जल्दी पूरी हो। किसान वर्ग का जो पुजारी है उसकी आज स्थिति काफ़ी दयनीय है और उस दयनीय स्थिति से उसको उबारने के लिए अभी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है और न ही भविष्य में कभी हुई है। आज 10 वर्ष के कब्जे शुदा व्यक्तियों को उनका हक मिल जाया करता है, लेकिन पुजारियों के पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों के समय से आज तक जो उनका कब्जा है या उनके पास जो ज़मीन है उसको उनको देने के बजाय उनसे और ले ली गई है। उस विषय में हमारा संविधान ये कहता है, प्राकृतिक न्याय का संविधान, कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बराबर सम्मान मिलना चाहिए या उसको अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों का भी हनन हुआ है और उसके तहत दूसरे व्यक्तियों को सारे लाभ मिले हैं, लेकिन किसान वर्ग पुजारी जो है उसको कोई लाभ नहीं मिला है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जो हक है वो हमें मिले और हमारी मांगें जो है उनको सुन करके उस पर अमल करके अध्यादेश जारी हो तो ही ठीक है, इसको विड्रॉ करे तो ही ठीक है। और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि अगर वो ये कार्य करते हैं तो पुजारी महासंघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बलवंत जी के निर्देशानुसार उनको रक्त से तोला जाएगा।